अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फरहीन कुकिंग्स फॉर योर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ चॉकलेट मलाई केक की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और इसे बनाना भी बेहद आसान है। तो फिर चलिए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। तो चॉकलेट मलाई केक बनाने के लिए सबसे पहले हम कुकर को फ्री हीट कर लेंगे। तो इसकी हम विसल निकाल लेते हैं और इसमें जो रिंग होती है उसे भी हम निकाल देंगे। इसके बाद हम कुकर में जाली स्टैंड रखेंगे। अगर आपके पास जाली स्टैंड नहीं है तो आप इस तरह की कोई भी प्लेट इसमें रख सकते हैं। इसके बाद हम कुकर की लीड बंद करेंगे और इसे गैस पर रखकर इसे फ्री हीट कर लेंगे। गैस की फ्लेम हमें लो रखनी है। केक का बैटर बनाने के लिए ये मैंने 1 कप बिस्किट लिए हैं, इसको हम मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। बिस्किट हमारे ग्राइंड हो चुके हैं, अब मैं इसमें ये 1/2 कप दूध ऐड कर रही हूँ। दूध ऐड करने के बाद हम इसे दोबारा से ग्राइंड कर लेंगे। केक का बैटर हमारा रेडी हो चुका है तो हम इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। तो देखिए, ये सारा बैटर मैंने बाउल में निकाल लिया है। तो अब हम इस केक के बैटर में ये 1/2 पैकेट इनो का डालेंगे। तो इतने बैटर में आपको बस 1/2 पैकेट ही इसमें डालना है। अब हम इसमें ये 1 टेबलस्पून दूध डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इसे आपको एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए मिक्स करना है। तो जैसे ही हमारा केक का बैटर अच्छे से मिक्स हो जाएगा, हम इसे केक टैन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसे हमें ज़्यादा देर के लिए ऐसे ही नहीं छोड़ना है। तो आप पहले ही मोल्ड को अच्छे से बटर पेपर लगाकर ग्रीस करके रख लें। केक का बैटर हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है तो हम इसे ये बाउल में डाल देंगे। तो अब हम इसे इस तरह से टैप करेंगे 2 से 3 बार, ताकि इसमें जो भी एयर बबल्स होंगे वो निकल जाएंगे। अब हमारा कुकर भी प्री हीट हो चुका है तो हम इसे रख देंगे कुकर में। कुकर हमारा गर्म है तो इसीलिए आपको बहुत ही एहतियात से इसे कुकर में रखना है। इसकी अब हम लीड बंद करेंगे और इसे पहले 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। 5 मिनट बाद हम इसकी फ्लेम लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इसे 10 मिनट पकाएंगे। तो टोटल हमें इसे 15 मिनट कुक करना है। पहले 5 मिनट हमें इसे मीडियम फ्लेम पर और फिर 10 मिनट हम इसे लो फ्लेम पर कुक करेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम केक को चेक कर लेते हैं। तो आप टूथपिक या फिर नाइफ से इसे चेक कर सकते हैं। तो मैंने ये नाइफ ली है, इसको हम केक के सेंटर में डालेंगे। अगर आपकी नाइफ क्लीन निकलती है तो आपका केक जो है वो अच्छी तरह से कुक हो चुका है। तो देखिए, जो हमारी नाइफ है वो बिल्कुल क्लीन निकली है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो केक है वो अच्छी तरह से बेक हो चुका है। तो इसे अब हम कुकर से निकाल लेंगे। केक मैंने कुकर से निकाल लिया है, अब हम इसे अच्छी तरह से ठंडा करेंगे। जब ये केक अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा तो हमने इस पर जो बटर पेपर लगाया था उसे रिमूव कर लेंगे। तो केक हमारा रेडी हो चुका है, अब हम इसकी मलाई तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैं 1/4 कप के करीब घर की मलाई ले रही हूँ। आप इसकी जगह पर फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। और इसी के साथ हम इसमें ये 1/2 कप दूध भी ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम मैंने लो रखी है और मलाई को हम दूध में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि इसमें कोई लम्स बाकी ना रहे। इसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अब मैं इसमें ये 2 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क ऐड कर रही हूँ। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे बस हमें 2 मिनट पकाना है, इसके बाद हम इसकी गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो मलाई हमारी रेडी हो चुकी है, इसे हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। जब ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो इसे हम इस तरह से केक पर डाल देंगे। तो उससे पहले आपको टूथपिक या फिर नाइफ से केक में होल बना लेने हैं, ताकि ये जो मलाई है वो केक के अंदर तक जा सके। तो ऐसा करने से केक जो है मलाई को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ऑफ कैमरा ही मैंने भूलकर ये स्टेप कर लिया था, तो इसलिए मुझसे ये क्लिप मिस हो गई है। अगर आप चाहें तो अपनी पसंद के कुछ ड्राई फ्रूट्स भी इस पर चॉप कर डाल सकते हैं। तो देखिए, माशाल्लाह से हमारा जो केक है वो बहुत ही अच्छा बना है। तो मैं आपको इसे काट कर भी दिखा देती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट बना है। तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का और बहुत ही टेस्टी यमी हमारा केक बनकर तैयार हो चुका है, चॉकलेट मलाई केक। तो आप भी इसे घर में बनाएं और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। तो रेसिपी से रिलेटेड अगर आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये चॉकलेट मलाई केक की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं इसे सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। तो मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।